हैं प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ डीएनएफ न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजमा नील फेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएनएफ न्यूज के प्रोग्राम अवामी मंशूर के साथ निसार कियानी आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं राजा महसूदुर रहमान एडवोकेट साहब। राजा महसूदुर रहमान एडवोकेट साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। और राजा महसूद साहब का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि राजा महसूद साहब सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई लहर विंग आज़ाद कश्मीर के, और हल्का एल ए 15 बस्ती बाग से ये पीटीआई आज़ाद कश्मीर के टिकट के उम्मीदवार भी हैं। राजा साहब, हम आपको आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ साथ बस्ती बाग से तकरीबन 14 और उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट बोर्ड क्या मेरिट की और कारकर्दगी की बुनियाद पे क्या आपको टिकट जारी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले निसार कियानी साहब, आपका जो चैनल है डीएनएफ नील फरी अखबार का, आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बातचीत कर सकूँ। जो आपने सवाल किया, इस हवाले से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वीएन रखने वाली जमात है जिसकी क्यादत इमरान खान कर रहा है, और उसी वीएन और सोच की बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान बेहतर कारकर्दगी वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के महरूम और मजबूर जो लोग हैं उनके हवाले से जो उनके मनसूबे जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लॉन्च किए हैं उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले जो आमदा इंतखाबात हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स के अप्लीकेशन मांगी, उसमें मैं भी अपने आप को बतौर उम्मीदवार मैंने भी पार्टी टिकट के लिए अप्लीकेशन दी, साथ और भी हमारे को 13-14 जो हल्के के उम्मीदवार हैं उनने दिए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरिट और इंसाफ की बुनियाद पर और जिस तरीके से उनने इंटरव्यू किए हैं सारी चीज़ें की हैं मेरिट की बुनियाद पर वो टिकट देंगे, और इंशाल्लाह हल्का बस्ती बाग की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम विन देंगे। राजा साहब, जिस तरह आपने कहा कि हल्का बस्ती बाग की आप सीट विन करके देंगे, वहाँ से ये हम देख रहे हैं कि वहाँ से आपके हल्के से नहीं बल्कि दूसरे जिला पुंछ से एक उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर रियाज साहब, उनका भी प्रोग्राम है, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, उन 14 उम्मीदवारों में वो भी शामिल हैं, वो भी टिकट के लिए उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड को दरख्वास्त दी है। क्या आप समझते हैं कि अगर आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड उन्हें टिकट जारी करता है तो आप क्या पार्टी का जो फैसला होगा उसको कबूल करेंगे? उसमें गुजारिश ये है कि टिकट के लिए अप्लाई करना तो पार्टी कारकुन का राइट है कि वो कहीं से भी जो है ना पार्टी टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा एक वोट बैंक है, पिछला जो इलेक्शन था वहाँ पे हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे वो बड़े बरी बरकम और वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे नवाज शरीफ उनकी तरफ से वो उम्मीदवार लाए गए थे, तो हमने उनके खिलाफ भी भरपूर मजम्मत की, और जो 4 वफाकी उज़रा गौम रहे थे उनके खिलाफ भी हमने हल्का बस्ती बाग के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, और हमारे जो कैंडिडेट थे उनको 15,000 के करीब लगभग हमने वोट दिलवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का बस्ती बाग के अंदर बड़ी मजबूत पोजीशन पे और विनिंग पोजीशन पे है, और मैं ये समझता हूँ कि बाहर से कोई बंदा आके तो वो शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर सके जिस तरीके से हमारे हल्के के अंदर, मैं खुद भी वहाँ पे मेरा एक बड़ा वसी तजर्बा रखता हूँ 4-5 इलेक्शंस के हवाले से, वहाँ पे इलेक्शन हमने करवाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकनान और लोग हल्का बस्ती बाग के अंदर ऐसी पोजीशन के अंदर मौजूद हैं कि बस्ती बाग की जो सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीत सकती है। बाहर से उम्मीदवार कोई आके अगर बस्ती हल्के से वो इलेक्शन लड़ेगा तो उससे पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी को उसको उससे फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका हल्का बस्ती बाग जो है वो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन रखता है, वहाँ पे अब्दुलशीद राबी साहब हैं, मुश्ताक मिनाज साहब हैं, राजा यासीन साहब हैं, सरदार कमर जमान साहब हैं, ज़िया कमर साहब हैं, फिर पीटीआई के 12-13 उम्मीदवार हैं, इस तरह JUI भी है और मजहबी जमातें छोटी छोटी और आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप
आपकी जो पार्टी है 14 उम्मीदवार आप सामने आए हुए, आपका मुकाबला किस पार्टी से होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद है, हमारे हल्के के अंदर सारी जमातें भी मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। बहुत आसानी से इंशाल्लाह हम हल्का बस्ती बाग की सीट जो है ना वो हम निकाल लेंगे, कोई हमारे मुकाबले में सारे मिलके भी हमारे मुकाबले में वोट नहीं ले सकते। एक और फैक्टर है, बड़ा अहम फैक्टर ये है कि ताहिर इकबाल साहब जिन्हें हल्का बस्ती बाग की सियासत का एक अहम रोल समझा जाता है, वो भी अमेरिका से 28 अप्रैल को आ रहे हैं पाकिस्तान, तो उनके बारे में काफ़ी मतलब सियासी हलकों में डिस्कस ये हो रहा है कि ताहिर इकबाल साहब की जो आमद होगी और उसके बाद वो जिस उम्मीदवार की हमायत का ऐलान करेंगे शायद वही उम्मीदवार फतह का वो उसका मुकद्दर बनेगी। तो आप ताहिर इकबाल साहब का जो फैक्टर है, जो अंसर है, जो उनका जो सियासी किरदार है, उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि उनका आना और किसी कैंडिडेट की हमायत करना ये कोई अहमियत रखता है कि कोई गैर अहम चीज़ है उसमें? ये तो उन्होंने क्या कर रहा है इस हवाले से तो वही आपको वो बेहतर बता सकते हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ताहिर इकबाल साहब एक अच्छे सियासी कारकुन है और कोई भी सियासी कारकुन हो वो किसी बरादरी किसी इलाके किसी जमात से हो, इसलिए कि मैं खुद सियासी कारकुन हूँ तो मैं सियासी कारकुनों की कदर कीमत में बखूबी समझता हूँ। सियासी कारकुनों को अपना मुस्बत करदार अदा करना चाहिए जिससे माशरे सोसाइटी समाज के अंदर हल्के के अंदर लोगों की के बेहतरी के लिए जो है ना वो करदार अदा कर सकें। वो अपना क्या फैसला करते हैं इस हवाले से तो वो आप उन्हीं से सवाल बनता है, बहरहाल वो एक अच्छे सियासी कारकुन। राय साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हल्का बस्ती बाग के बारे में आम तासर ये है कि इस हल्के में बरादरीज़म का जो फैक्टर है वो सर चढ़ के बोलता है और लोग जो है बरादरीज़म का जो है सियासत में इलेक्शन में बढ़ चढ़ के जो है उसका इजहार करते हैं और बरादरी की बुनियाद पे लोगों में जाते हैं, नज़रियात को छोड़ के सियासी वबस्तियों से हट के बरादरियों की बुनियाद पे लोग वोट मांगते हैं। आप क्या समझते हैं ये तासर दुरुस्त है कि आपके हल्के के बारे में ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ज़ाती तौर पे तो ये बताऊँ, मैं तो बरादरीज़म और ये इस तरह की तासब और नफरत की जो सियासत है हमेशा इसके खिलाफ मैंने बात भी की है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये को हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल जो है ना वो आज का एक जदीद जो दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, एजुकेशन के ज़रिए हम इस सारे नफरत तहसब और असबियत का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी सूरत हाल तो यकीनन बरादरियों की बुनियाद पे उससे मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है, सियासत बरादरियों की बुनियाद पे होती भी है। लेकिन पिछले जो इलेक्शन थे, पिछला जो इलेक्शन आया उसके अंदर कोई मुश्ताक नाज साहब हमारे भाई हैं तो उनको उनकी बरादरी थोड़ी थी लेकिन सारी बरादरी ने उनको वोट देके मुंतखब कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। राय यसीन साहब भी वहाँ से असम्बली मेंबर रहे और बेशुमार लोग जो है ना कहो कि हमारी बरादरी शायद अफराधी कुव्वत के लिहाज से उस हल्के के अंदर ज़्यादा हो लेकिन वहाँ से मुख्तलिफ अदवार के अंदर ज़्यादा हमारे लोग जो हमारी फैमिली के लोग मुंतखब हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये हल्का बस्ती बाग के जितने भी कबाइल हैं उनको जो पिछला जो इलेक्शन हुआ जो मुश्ताक मनास ने जो इलेक्शन जीता और उसके बाद लोगों के अंदर एक एहसास कमतरी और महरूमी का भी शिकार है, इसलिए कि वो इलेक्शन जीतने के बाद वजीर बन गए, वजीर बनने के बाद वो इस्लामाबाद लेट गए, उन्होंने हल्का बस्ती बाग के अवाम को अपना चेहरा भी दिखाना वो उन्होंने नसीब नहीं करवाया है और वो इधर ही लेटे रहे, उससे हल्का बस्ती बाग के अवाम जो है ना वो असासे महरूमी और कमतरी का शिकार हो गए और हल्का बस्ती बाग का जो MLA था वो मुकम्मल 5 साल जो है ना वो हल्के से गायब रहा। आप साफ़ी हैं, आप खुद भी उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि वो 10 मरतबा भी बाग के अंदर नहीं गया है। बाग के जो लोगों के जो मसाइल थे, जो छोटे छोटे जो लोगों के मसाइल होते हैं वो MLA और वजीर की मौजूदगी में लोगों के मसाइल हल होते हैं, तो वो यकीनन एक इस तरीके से लोगों के अंदर एक बड़ा गम गुस्सा भी पाया जाता है, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी कुछ सिफर रही है। और इस तरीके से कोई ऐसा बंदा अगर कहीं फिर और हमारे ऊपर अगर मसलत करने की कोशिश की तो यकीनन हल्का बस्ती बाग के अंदर अवाम का शदीद एक रिएक्शन लोग करेंगे, लोगों की ख्वाहिश है, लोग ये चाहते हैं
कि हमारा ऐसा नुमाइंदा हो कि जो वहाँ पे लोगों के मसाइल हल कर सके, वो वहीं का रहने वाला हो। तो इस बुनियाद पे ये नहीं हो सकता कि हुक्मरानी करने के लिए हल्का बस्ती भाग के ऊपर चला जाए और वहाँ से लोगों को झांसा दे के वोट ले ले और उसके बाद जो है ना वो एंजॉय करता रहे, ये हल्का बस्ती भाग के लोग इस मर्तबा कबूल नहीं करें। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या बयानिया लेके आवाम के पास वोट मांगने जाएंगे? लोग महंगाई से तंग हैं, पीटीआई की जो वफाकी हुकूमत है उसकी पॉलिसियों पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, इस कश्मकश में इस कैफियत में लोगों के पास आप कौन सा बयानिया लेके जाएंगे जिसकी बुनियाद पे आवाम आपको वोट देगी? उसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बुनियाद तौर पर बात यह है कि महंगाई तो एक आलमी मसला है, कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है। और इमरान खान को जब पाकिस्तान जिस हालत में मिला, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार था, कर्जे ही कर्जे थे, पिछली हुकूमतों की करप्शन थी, नाअहली थी। अब इमरान खान को वो सारी गंद और करप्शन साफ करते हुए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान ने जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और सारे लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दे दिए। अब देखा ना, ये बहुत बड़ा एक काम है इमरान खान का, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और बिलखसूस इसलिए कि उन्होंने 100% लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, अब हमारे कितने लोग जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब इस तरीके से खान साहब के बेशुमार प्रोग्राम हैं, असास प्रोग्राम है, और बेशुमार इस तरीके से कामयाब जवान प्रोग्राम है, और इस तरीके से बेशुमार उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं उससे आज़ाद कश्मीर की जो है ना वो अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और फिर इमरान खान ने कोई आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट हालांकि PMLN की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कोई कट भी नहीं लगाया है और सारे फंड जो है ना वो देते हैं, वो के उस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। फिर इमरान खान वाइज लीडर है 73 सालों के अंदर के, जिसने कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से जनरल असम्बली में खड़े होकर ये बात बड़े दबंग तरीके से, बड़े दो टोक वाजे अंदाज में उन्होंने कश्मीर का जो मौकफ है वो पेश किया। आलमी बरादरी को भी समझ आई कि कश्मीर को मसला है, जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद मोदी ने हमारा 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 35A का उसका खात्मा कर लिया और मतलब कश्मीर के अंदर एक जबरी कब्जा कर लिया, और उस हवाले से इमरान खान ने कश्मीरियों का सफीर होने का अपना किरदार अदा किया है। फिर 5 फरवरी को कोटली जलसे के अंदर भी और उन्होंने और फिर मुख्तलिफ इंटरव्यू टॉक शोज के अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से कश्मीर की नुमाइंदगी की है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के अवाम आने वाले इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के अंदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क्यादत में क्लीन स्वेप इंशाल्लाह वो करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आप बहुत बहुत शुक्रिया राजा महसूदुर रहमान एडवोकेट साहब। नाज़रीन, आपने राजा महसूदुर रहमान एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह इन्होंने कहा कि इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर हैं और उनकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं और वही विजन और उनकी पॉलिसियों का उनका वही बयानिया लेके ये आज़ाद कश्मीर के आवाम के पास इलेक्शन में जाएंगे और आज़ाद कश्मीर के आवाम, जिस तरह इन्होंने कहा कि उनको यकीन है कि इनको जो है भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे हम। राजा महसूदुर रहमान साहब, आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, अल्लाह करे कि पार्टी आपको उम्मीदवार नामजद करें और लोग आपके ऊपर आवाम जो है एतमाद का इजहार करें और ये आप इलेक्शन जीत के असम्बली में जाएं और वहाँ पे आवाम की बेहतरीन तर्जमानी कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।